नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी ने 5 दिनों का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने भी 5 दिन का रिमांड दिया। वहीं सीएस सुमन कुमार जेल भेजे गए। बता दें कि पूजा सिंघल की शुक्रवार को रिमांड अवधि खत्म हो रही थी, जिसे लेकर पूजा सिंघल की अदालत में पेशी को लेकर ईडी की टीम ईडी की विशेष अदालत में पेश करने पहुंची। वहीं पूजा सिंघल भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में जाते हुए नजर आई। करीब आधे घंटे तक पूजा सिंघल कोर्ट के अंदर रही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने के लेकर ईडी न्यायालय में अर्जी देगी, ताकि साहेबगंज के खनन पदाधिकारी के समक्ष पूजा सिंघल और साहेबगंज डीएमओ को आमने सामने रखकर पूछताछ की जा सके। वहीं सुमन कुमार सिंह भी ईडी की विशेष कोर्ट के लिए रवाना हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच सुमन को भी ईडी अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया। बता दें कि सुमन को लगातार 3री बार रिमांड पर लिया गया था और उनकी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी, जिस कारण आज पेशी के लिए अदालत में उन्हें ले जाया गया। और बता दें कि सीए सुमन कुमार जेल भेजे जा रहे हैं। वहीं अगर पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल की भी रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। और लगातार सीए सुमन कुमार जिस तरीके से नए नए मुद्दों का खुलासा कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें अब जाकर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखना होगा कि जेल में अब वो क्या कुछ नए मुद्दों के बारे में बात करते हैं। पूजा सिंघल से भी लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ चल रही है। हालांकि पूछताछ के दौरान देखा जा रहा है कि पूजा सिंघल बीमार हो जाती है, उनकी बार बार बीपी हाई हो जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनसे कई मुद्दों पर पूछताछ किए जा रहे हैं। हालांकि पूजा सिंघल कई मुद्दों पर अभी तक बात नहीं कर पा रही है और आने वाले अगले 5 दिनों में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिन मामलों पर जांच चल रही है उससे संबंधित कुछ खुलासे पूजा सिंघल कर सकती है। और इसी तरह साहेबगंज के भी डीओ से जो पूछताछ होगी, इससे ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए मामले सामने आ सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी मामला खनन लीज मामले से जोड़ा जा रहा है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इन 5 दिनों में ईडी सही से पूजा सिंघल से पूछताछ करती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें फंस सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगले आने वाले 5 दिनों में इस मामले को लेकर क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।